जोहार झारखंड रांची, अब जरबर में आपका स्वागत है। संवाददाता दीपक कुमार सिंह ने खबर दी है कि दुमका जिला के शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र में हथियार के दम पर मोबाइल और नकदी लूट मामले में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। इसके अनुसंधान के लिए एसपी दुमका द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और शिकारी पाड़ा थाने के प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापामारी में दो अपराधियों को पकड़ लिया गया, जिसका नाम अनूप कुमार मंडल, बांबी कुमार यादव है। चार अपराधी की तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 500 रुपये और उसका मोबाइल लूट कर लिया था हथियार का मैं दिखाकर। उसी मामले में 7 जनवरी को शिकारीपाड़ा थाना में एक कांड दर्ज किया गया, जिसका पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा साथ में शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ, जिन्होंने इस कांड का आज उद्भेदन कर लिया है और साथ ही दो अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इनके पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और जो लूटा हुआ मोबाइल था वो भी बरामद हुआ है। अभी तक जैसी बात सामने आई है कि पैसा इन लोगों ने आपस में बांट लिया था, और साथ ही 4 अज्ञात अपराधकर्मियों के भी नाम सामने आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पकड़े गए जो अपराधकर्मी हैं उनका नाम है अनूप मंडल और बॉबी कुमार यादव, जो कि नगर थाना दुमका क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और आगे हम लोग जो पिस्टल जिससे यह घटना कारित करने की बात बताई जा रही है और लूटा हुआ पैसा है और बाकी 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी और ये बरामदगी का हम लोग प्रयास लगातार जारी किए हैं। पेशेवर अपराधी हैं अभी इनका अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर तो पेशेवर लग रहे हैं, साथ ही जैसे गिरफ्तारी होगी हम लोग इनका जेल रिकॉर्ड से और अन्य रिकॉर्ड से भी इनका आपराधिक इतिहास भी निकाल के आगे कार्रवाई करेंगे।